एवरीवन वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नवीन तिवारी। जैसे कि क्लास 12th इंटरोगेशन की हमने डेफिनाइट जो इंटरोगेस गर्ल्स है उसकी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट कर दी थी, उसकी पूरी वीडियो बन चुकी है। आज हम एक्सरसाइज 7.10 जिसमें इवेल्युएशंस डेफिनाइट इंटरोगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दो चार क्वेश्चन इसके बताते हैं। ये भी ऐसी है, सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। हम x में जो लिमिट होगी उसको t में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी हम t मानेंगे उसमें उस लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। चाहे हम थीटा मानेंगे तो थीटा में सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर हम फाई मानेंगे तो फाई में सब्स्टिट्यूशन होगा, और यदि हम t में मानेंगे तो t में उसको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाली जाती है। फिर उसका आफ्टर डेट उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, इवेल्युएशन डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन मतलब पहले से ही लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना। सपोज डेट पहले इसका इंटीग्रेशन तो जनरली सामान्य तरीके जैसे होता है वैसे ही होगा। इसमें लेट आई इज इक्वल टू 0 to 1, पहले आपने ये लिख दिया 1 + x² dx। जैसे कि आपको पता है इंटीग्रेशन में 1 + x² को हम t लेंगे, उसके बाद x dx हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1/t के फॉर्म में आ जाएगा जो log t होगा। अब अभी जो इसकी लिमिट है 0 और 1 जो लिमिट है ये x की है, वेरिएबल इसमें x है तो x की लिमिट है। यदि मैं x प्लस वन इफ 1 + x² इज इक्वल टू t, तो लिमिट को ट्रांसफर करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा t में। जैसे लेट 1 + x² इज इक्वल टू t एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 एंड x² 2x dx इज इक्वल टू dt एंड x dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ dt। x dx आपका आ गया हाफ ऑफ dt। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, इफ पहले आप t x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, इफ x इज इक्वल टू 0 देन तब आपका y हो जाएगा आपका इफ x इज इक्वल टू 0 देन 1 + 0 का स्क्वायर इक्वल टू t, तो t आपका हो जाएगा 1। इस कंडीशन में t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एंड इफ x इज इक्वल टू 1, सपोज दैट x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, यहां पर क्या किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, यही सब्स्टिट्यूशन है और कुछ नहीं है। लिमिट को t में सब्स्टिट्यूट करना, जो भी आपने 1 + x² को माना है, जैसे डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करने के लिए जो भी चीज को आपको मानना पड़ा, उसको फॉर्मूले के रूप में बनाने के लिए जो भी चीज आपने माना, तो लिमिट को उसी में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यही सब्स्टिट्यूशन है और कुछ नया चीज नहीं है। x इज इक्वल टू 1 होगा, देन t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू t एंड t इज इक्वल टू 1 + 1 का स्क्वायर 2। नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल टू, अब हमारी जो लिमिट है वो t में सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, तो अब लिमिट जो आ जाएगी, 0 वाली लिमिट बन गई है आपकी 1 और 1 वाली लिमिट बन गई है आपकी 2, तो यहां पर आएगा 1 to 2 एंड x dx की वैल्यू है हाफ dt। ये x dx को एलिमिनेट करके क्या बन गया, हाफ dt बन गया, और ये आपका हो जाएगा 1/t dt। तो 1/t, जैसे कि 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t, और ये लिमिट आपकी सब्स्टिट्यूट करके t में बन गई थी, तो यहां पर t की जगह 1 + x² रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिमिट t में हम पहली सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, सीधे t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो i इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 log ऑफ 2 माइनस log 1 आपका 0 होता है, तो आ जाएगा 1/2 ऑफ log 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 log 2। इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन लगा के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला देखते हैं। क्वेश्चन आपका 0 to π/2 √sin(5 cos(5π) d(5)
तो इसको आप सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन की फॉर्म बनाएंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट आई इज इक्वल टू 0 to π/2 रूट ऑफ साइन फाइव, ये तो कुछ नहीं हो सकता, साइन फाइव को तो हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, कॉस फाइव फाइव को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाइव डी फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर हो गया कॉस फोर फाइव, मल्टीप्लाई कॉस फाइव करेंगे तो कॉस की पावर फाइव फाइव हो जाएगा। तो इसको यहां पर ये भी लिखा जा सकता है, एट फर्स्ट आप इंटीग्रेशन की फॉर्म बनाइए। इंटीग्रेशन का तरीका ये होता है, पहले उसका इंटीग्रेशन जिसका हो जाए ऐसी फॉर्म बनाना, कॉस स्क्वायर फाइव को लिखेंगे 1 - sin² φ का होल स्क्वायर एंड कॉस फाइव। अब बहुत बढ़िया इसकी इंटीग्रेशन की फॉर्म लग रही है, हम साइन फाइव को टी मानेंगे तो कॉस फाइव एलिमिनेट हो जाएगा और इजिली ये फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां पर लेट साइन फाइव इज इक्वल टू टी, साइन फाइव को टी लिया और साइन फाइव टी हुआ तो साइन फाइव का डिफरेंशिएशन होता है कॉस फाइव, कॉस फाइव डी फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, हो जाएगा डी टी, क्योंकि यदि हम टी का फाइव के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टी अपॉन डी फाइव होगा और साइन फाइव का क्या हो जाएगा कॉस फाइव, जो कॉस फाइव डी फाइव यहां से जो है एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो लिमिट ट्रांसफर होगी किसमें होगी, फाइव में सब्स्टिट्यूशन होगा, लिमिट का सब्स्टिट्यूशन किसमें होगा टी में, फाइव अभी तो ये जो लिमिट है फाइव की लिमिट है क्योंकि फंक्शन किसमें है फाइव, जिसमें आपका फंक्शन होता है लिमिट उसी की होती है। अब ये 0 to π/2 जो लिमिट है ये फाइव की है, अब हम फाइव पर टू टी मान लिया तो अब इस लिमिट को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा किसमें टी में, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक बार फाइव की जगह जीरो रख देंगे, लेट फाइव इज इक्वल टू जीरो रखेंगे देन टी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा साइन जीरो होता है आपका जीरो। तो अगर यदि हम फाइव की जगह जीरो रखेंगे तो टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी जीरो। दूसरा इफ यदि फाइव की जगह हम रख देते हैं π/2 देन तो टी इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा sin π/2 and sin π/2 sin 90 and sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये लिमिट ट्रांसफर किसमें होगी है टी में, पहले लिमिट किसकी थी फाइव की, ट्रांसफर किसमें हुई टी में, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे सीधे टी में ही वैल्यू रख देंगे तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to, अब आप लिखेंगे 0 to 1 लोअर टू अपर साइन फाइव, साइन फाइव को आपने टी लिखा है तो इसको लिख देंगे टी की पावर हाफ, क्योंकि रूट साइन फाइव को हाफ भी लिखते हैं रूट, इसको साइन फाइव की पावर हाफ भी लिख सकते हैं, साइन फाइव की पावर हाफ होगा तो टी की पावर हाफ हो जाएगा एंड 1 - sin² φ, साइन फाइव आपका टी है तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर होल स्क्वायर एंड कॉस फाइव डी फाइव एलिमिनेट होके हो जाएगा डीटी। तो इतना आपका ही बना, अब इसको देख के आगे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप इसकी तो आवश्यकता है नहीं ज्यादा, इसको हटा देते हैं जी, किसी की इसकी आवश्यकता नहीं, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। तो पहले इसको 0 to 1 था शायद, 1 0 to 1 पहले आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये तो हो जाएगा टी की पावर हाफ और इसको एक्सपेंड करेंगे 1 + t^4a - b के होल स्क्वायर में -2t² dt। अब सेपरेट टर्म करके इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हर एक टर्म का, तो टी की पावर हाफ से उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टी की पावर हाफ डी टी प्लस टी की पावर हाफ में 4 ऐड करेंगे, 4 2 4 8 9 तो हो जाएगा टी की पावर 9/2 dt हो जाएगा, माइनस
टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू इसमें ऐड होगा तो टी की पावर हो जाएगा आपका फाइव अपॉन टू डी टी। हर एक का इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है, एक्स की पावर एन के फॉर्म के सब आ गए हैं, एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टी की पावर वन अपॉन टू प्लस वन बाई वन अपॉन टू प्लस वन। ये फॉर्मूला ही होता है, इसमें ज्यादा सोचना है नहीं। नाइन अपॉन टू प्लस वन अपॉन नाइन अपॉन टू प्लस वन माइनस टू टी रेज टू फाइव अपॉन टू प्लस वन अपॉन फाइव अपॉन टू प्लस वन। इजिली आप इसको सॉल्व करिए, कैलकुलेशन करिए सिंप्लीफाई करके और वैल्यू रख देंगे उसके बाद। ये सब में आएगा जीरो टू वन, सारी लिमिट सब्स्टिट्यूट हो चुकी हैं जीरो टू वन में। आप कॉन्स्टेंट में तो लिमिट रखी नहीं जाती है, ये थ्री अपॉन टू अपर जाएगा टू अपॉन थ्री हो जाएगा एंड यहां पर आ जाएगा आपका टी की पावर थ्री अपॉन टू जीरो टू वन प्लस ये हो जाएगा आपका टू अपॉन इलेवन एंड टी की पावर इलेवन अपॉन टू जीरो टू वन माइनस टू 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 जा फोर हो जाएगा फोर सेवन फोर बाई सेवन हाँ सेवन बाई टू फोर बाई सेवन और टी रेज टू दी पावर सेवन बाई टू। अब इसमें लिमिट रखने का नंबर आ चुका है टू अपॉन थ्री, टी की जगह पहले वन रखेंगे वन की पावर थ्री बाई टू माइनस जीरो की पावर थ्री बाई टू टू अपॉन लेवन वन की पावर लेवन अपॉन टू माइनस जीरो की पावर लेवन अपॉन टू फोर अपॉन सेवन वन की पावर सेवन बाई टू माइनस जीरो की पावर सेवन बाई टू टू अपॉन थ्री ये हो जाएगा टी की पावर थ्री बाई टू तो आप कुछ नहीं दे सकते टी हुआ और जीरो के तो आपका आ गया टी की पावर थ्री बाई टू। मैं टी की जगह लिमिट रखेंगे आप वन 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 की पावर थ्री बाई टू वन की पावर कुछ भी हो वन ही होता है कुछ भी करिए वन की पावर वन ही होगा जीरो की पावर ये तो जीरो ही हो जाएगा प्लस टू अपॉन लेवन वन की पावर लेवन अपॉन टू वन माइनस जीरो माइनस फोर अपॉन सेवन वन की पावर सेवन अपॉन टू वन माइनस जीरो। एक स्टेप और सॉल्व हो सकता है इसको, ठीक है फाइनली इसको निकाल देते हैं आंसर। तो आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टू अपॉन थ्री तो ये बन गया, ये आपका हो गया टू बाई इलेवन एंड माइनस फोर बाई सेवन। टेकिंग एलसीएम 231 इसका एलसीएम आ रहा है 77 या 154 21 या आ गया 42 33 या आ गया 132। सिक्स नाइन वन माइनस 132 अपॉन 231 64 अपॉन 231 तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन अभी हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पर करे, तब तक आप इनको देखिए, बाकी नेक्स्ट टाइम फिर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।